लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पंचायत चुनाव बिहार में जल्द ही होने वाला है। अब इसको लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार ने कई नई पंचायत बनाने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव अब पंचायत में तब्दील किए जाएंगे। जी हाँ, 7,000 से ज़्यादा लोग अगर एक गांव में रहते हैं तो अब उसे एक पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। अब एक्ट में संशोधन करने की तैयारी नीतीश सरकार ने करने की तैयारी कर ली है। आइए चलते हैं, जानते हैं पूरी रिपोर्ट कि क्या है ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार बड़े पैसे की तैयारी में है। बिहार में अब ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन करने की तैयारी है। राज्य के अंदर अब 7,000 से कम आबादी वाले गांव भी पंचायत बन पाएंगे। पंचायती राज विभाग में इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक बिहार के विधानसभा मंडल के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सदन में पास होने के बाद यह संशोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा। नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा शामिल हो गया है। इसके बाद ऐसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जिला अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। राज्य के अंदर जो अभी पंचायत राज एक्ट लागू है, उसमें पंचायतों की आबादी का अलग मापदंड है। अब तक के पंचायत पुनर्गठन के लिए 7,000 की आबादी के शर्त है, लेकिन इसे घटाकर 3,000 किए जाने की शर्त है। राज्य सरकार एक्ट में जो संशोधन करने जा रही है, उसके मुताबिक के विशेष परिस्थितियों में 7,000 से कम की आबादी पर भी जिलाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर पाएंगे। राज्य में तकरीबन 200 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनका पुनर्गठन किया जाना है। वर्ष 2019 की जनगणना के आधार पर जहां 3,000 या उससे अधिक की आबादी है, उसे ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। अगर किसी गांव की आबादी इससे कम होगी तो उसे निकटतम ग्राम पंचायत का हिस्सा बना दिया जाएगा। हम आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव बिहार के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव बिहार को और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।